बैक टू द चैनल वीज़ा एंड वेकेशंस। आज हम लोग जा रहे हैं सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से फेमस हैमिल्टन। टोरंटो से इट इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स और ट्रैवलिंग दिस टाइम लगता है अराउंड एन आवर जस्ट बिकॉज द ट्रैफिक स्पीड एंड ट्रैवलिंग कंडीशंस आर डिफरेंट। तो एक घंटा का टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो फर्स्ट जो हम लोग विजिट करेंगे वहाँ पे फॉल्स, दैट इज़ वेबस्टर फॉल्स। एंड होपफुली शायद फ्रोजन नहीं है वो इस टाइम, तो फॉल होएगा एंड हम उसे देख पाएंगे, वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट विल बी द वेबस्टर फॉल्स एंड फिर देखते हैं क्या क्या खुला मिलेगा, उस हिसाब से आई अपडेट यू एंड शेयर द वीडियोज विद यू। सो लेट्स मीट इन वेबस्टर फॉल्स। वेबस्टर फॉल्स का रास्ता है ये, अच्छा सा लग रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा स्मूथ सी ड्राइव है, स्नो कवर्ड है, थोड़ा जैसे हिल्स में होता है ना वेवी सा ऊपर नीचे, एंड वी आर अबाउट टू रीच, सो इट्स ब्यूटीफुल। पहुंच गए वेबस्टर फॉल्स, इसे स्पेंसर कंजर्वेशन एरिया भी कहते हैं। अभी हमने गाड़ी लगाई है पार्किंग में एंड आगे जाएंगे। अभी हल्की सी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, दिस इज द पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे एंट्री फीस पर कार $15 थी ऑन द वीकेंड। अभी थोड़ा सा आगे से हल्का सा वॉक करके जाना है एंड देन फॉल्स आएंगे, वेबस्टर फॉल्स जिसे कॉटन फॉल्स भी कहते हैं एंड ये स्पेंसर कंजर्वेशन एरिया में आता है। लेट्स गो एंड सी। सो वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द फॉल, थोड़ी सी आइस भी है, देख के संभल के चलना है। आइस क्रैकिंग की आवाज आ रही है। So, ये एक पैनोरामिक व्यू है पार्किंग का, यहाँ से अभी हम आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वॉकिंग ट्रेल एंड जो एरिया है इसका जो मैप है, दिस इज द मैप ऑफ दिस एरिया, कंजर्वेशन एरिया। सो दिस इज द वेबस्टर फॉल्स एंड इसकी हाइट है अराउंड 20 मीटर्स 70 फीट एंड इसका नाम पड़ा था इसके ओनर के नाम पे जो पहले डॉक्टर जेम्स हैमिल्टन थे एंड फिर उससे प्रॉपर्टी ले ली, डॉक्टर जेम्स हैमिल्टन से ले ली थी प्रॉपर्टी मिस्टर जोसेफ वेबस्टर ने, तो उनके नाम पे अब ये वेबस्टर फॉल्स। ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। बीस बाय तीस इसको कर्टन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ कर्टन एंड ये इसके ऊपर पीछे एक वो है ब्रिज है स्टोन का बना हुआ। इस साइड अगर अभी एक्सेस खुला हुआ लग रहा है तो हम जाएंगे, उस साइड से भी कवर करेंगे।
दिस इज द व्यू फ्रॉम द स्टोन ब्रिज. ये पहला ब्रिज है. सो लुक एट द व्यूज, कितने क्लियर वाटर है एंड ऑल दोस थिंग्स, इट्स ब्यूटिफुल. यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि 2005 में एक हॉलीवुड साइफाई मूवी यहाँ पे शूट हुई थी वेबस्टर फॉल्स में. लुक एट द स्पीड ऑफ वाटर, पानी कितना तेज आ रही है. सो अभी मैं इस ब्रिज पे जाऊंगा एंड देन आई हेड टूवर्ड्स द फॉल्स. बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा है, नीचे सारी आइस है, नहीं किसी स्नो है ऊपर लेकिन पूरी की पूरी आइस है. सो इट्स लाइक वेरी वेरी स्लिपरी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है. मैं अभी आगे जहाँ जाना है वो मुझे बिल्कुल ही पूरा आइस कवर्ड दिख रहा है. आई थिंक जाना चाहिए या नहीं, सेफ और नॉट, लेट्स लुक एट द मैप. देखते हैं मैप एंड फिर अब आगे तो चलते हैं जितना जा सकते हैं. पूरा का पूरा आइस है. सो रेलिंग पकड़ के शायद आगे जा सकते हैं तो जा सकते हैं. इस देखिए पूरा का पूरा ऐसे फ्रोजन लैंड है, इट्स नॉट स्नो, सॉफ्ट स्नो नहीं है, पूरी आइस है एकदम. तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं रेलिंग पकड़ के. अगर शूज़ में स्पाइक्स वगैरह होते तो शायद बीच से भी जा सकते थे जो कि स्नो शूइंग में होते हैं. नॉर्मल शूज़ हैं, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ना मुझे आइडिया था कि यहाँ पे आइस होगी बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था. ये पकड़ लिया, आई हैव वन सपोर्ट, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं. आ गया ना यहाँ पे, किसी तरह से पहुंच गए हैं बच बचा के. सो दिस इज द व्यू क्लोज टू दैट ब्रिज जिसके ऊपर से हम थोड़ी देर पहले. सो ये हिस्टोरिकल इन्होंने फोटोज वगैरह लगा रखी है, यहाँ पे हिस्ट्री नोट्स लिखे हुए हैं. सो व्हेन यू कम हियर आप देख सकते हैं. एंड फाइनली आई हैव कम क्लोज टू द फॉल्स. डोंट स्टेप ओवर द फेंस, फेंस लगाई हुई है ताकि इसको पार करके फॉल्स नीचे ना चले जाए. बट लुक एट दिस फॉल, आई एम सो क्लोज टू इट, इतना पास आ गया हूँ मैं इसके. वाह ब्यूटीफुल, सुंदर है यार, स्मूथली पानी जा रहा है. एंड नायग्रा का छोटा वर्जन लग रहा है लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी है, नायग्रा की अपनी ब्यूटी है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड. बट इट इज ब्यूटीफुल, चारों तरफ ट्रीज हुआ हुआ है, फॉल्स फ्लो कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है. ऐसे व्यूज हर जगह नहीं मिलते, अलग अलग व्यूज हैं, हर चीज़ के अपने एक्सक्लूसिव व्यूज हैं. फॉल गिर रहा है नीचे जाके, एक पूरी आइस की स्नो की वो बनी हुई है, मतलब आइस की पूरी पैकिंग हुई हुई है एंड उसके नीचे से पानी फ्लो कर रहा है. अब तो यार वापस भी जाना है, सो उसके लिए भी सेफ्टी देखनी पड़ेगी.
स्नो पे तो एक बार इंसान वॉक कर लेता है क्योंकि उसमें ग्रिप मिल जाती है। आइस पे वॉक करना बहुत रिस्की होता है। ये देखो, इट्स कंप्लीट आइस, आइसी फ्लोर है। लुक एट दिस। चलो चलते हैं टूवर्ड्स द कार। एंड इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा। आई विल वाइंड इट अप हियर। आप लोगों का कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन सो आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड वील अपलोड अ वीडियो वेरी सून। अंटिल देन, बाय बाय।